नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड आंदोलन, झारखंड विद्रोह पार्ट 20। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राउतिया विद्रोह के बारे में। अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरे एक एक फैक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस विद्रोह का नाम राउतिया विद्रोह क्यों है, क्योंकि इसको इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था राउतिया लोगों ने किया था। सपोर्ट में तो सारे लोग होंगे, लेकिन राउतिया जाति के लोग लीड कर रहे थे, लीडर थे इनके, ठीक है। तो ये राउत टाइटल तो आपने सुना ही होगा, वही लोगों ने, ठीक है। ये कहां हुआ था, ठीक है, ये विद्रोह कहां हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवागढ़, ठीक है, जगह बोलिएगा नवागढ़, रायडी प्रखंड, ये गांव नवागढ़ स्टेट है, ठीक है। स्टेट के बारे में बता दिया हूं ना कि अंग्रेज जब जमींदारी सिस्टम शुरू किया था तो पूरे इंडिया को स्टेटों में बांट दिया था, छोटा छोटा स्टेट, ठीक है। तो नवागढ़ स्टेट में हुआ था, ये कहां है अभी, रायडी प्रखंड और गुमला जिला, ठीक है, इतना चीजें याद रखिएगा, गुमला जिला। ये नवागढ़ स्टेट का जो जमींदार कौन था, जमींदारी सिस्टम में स्टेट बना था, इसका मालिक होगा कौन, उस नागवंशी राजा। नागवंशी राजा राजा ना रह के क्या हो गया, ठेकेदार जमींदार हो गया था, तो नागवंशी राजा के अंदर ये आता था। नागवंशी राजा का नाम था गोविंद, गोविंद नाथ सहदेव, गोविंद नाथ सहदेव ये था राजा, ठीक। अभी समय बदल गया, राजधानी अभी रातू हो गया, ठीक है, रातू के किला में है, नागवंशियों की राजधानी रातूगढ़ हो गया। तो गोविंदनाथ सहदेव अभी यहाँ का जमींदार है, प्लस अब इस गोविंदनाथ सहदेव का ये कौन है मालिक, ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज, अब अंग्रेज मालिक हो गया, ये तो सिर्फ ऐसे जमींदार काम करता, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आदेश आता है कि भाई इस स्टेट का, ठीक है, ये नवागढ़ स्टेट जो है ना, इससे मुझे 12,000 रुपया महीना चाहिए, ठीक है, 12,000 रुपये का टैक्स इम्पोज इस स्टेट से चाहिए। तो ये डायरेक्ट यहाँ थोड़े ना जाता था, जमींदार जाता था, ठीक है। जमींदार ने नवागढ़ के स्टेट को बोला कि भाई 12,000 रुपया अंग्रेजों ने ज्यादा मांगा है, तो टैक्स तुम लोग से ज्यादा कलेक्शन होगा, फिर इसीलिए यहाँ पे विद्रोह हो जाता है। नवागढ़ स्टेट में बहुत सारे परगना होंगे, ठीक है, या बहुत सारे जागीर होंगे, तो यहाँ विद्रोह देखिए कहाँ कहाँ होता है। विद्रोह के लिए दो केंद्र और होते हैं, एक देखिए पहाड़ पनरी परगना, पहाड़ पनरी इसका पहाड़ पनरी परगना का मालिक होता है मुंडल सिंह, ये यहाँ का परगनित होता है, मुंडल सिंह परगनित। और यहाँ का परगनित कौन होता है, ये वासुदेव कोना बोल के गांव है, वासुदेव कोना, ठीक है। इस एरिया का मालिक रहता है बख्तर साई, ठीक है, बख्तर साई, ठीक है, ये वासुदेव कोना का जागीरदार या परगनित जो होनी है बख्तर साई रहता है। तो अब इन लोगों ने ये मना कर देता है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे होंगे जागीर, बहुत सारे परगने होंगे नवागढ़ स्टेट में, मगर ये दोनों ने विद्रोह कर देता कि नहीं, हम 12,000 रुपया नहीं देंगे, ठीक है। एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मुंडल सिंह का जन्म कहाँ हुआ, भाई नवागढ़ में हुआ, बख्तर साई का जन्म कहाँ हुआ, नवागढ़ में हुआ, ये जब समय के अनुसार इन लोगों की जागीरदारी मिली, इसीलिए पहाड़पनरी का मुंडल सिंह हो गया और वासुदेव कोना का मालिक बख्तर साई हो गया, ठीक है। ये है कहानी का बैकग्राउंड, ठीक है। जब इन लोग गोविंद नाथ सहदेव नवागढ़ स्टेट में 12,000 टैक्स कलेक्शन के लिए जब भेजता है किसको, हीरा राम को भेजता है, ठीक है, हीरा राम को, ये रातू का किला का चमचा रहता है, तो हीरा राम को बख्तर साहेब मार देता है। हीरा राम बख्तर साहेब पहले नवागढ़ स्टेट में विद्रोह में बख्तर साय आता है, पहले बख्तर साय आता है, बाद में मुंडल सिंह मदद करने आता है, बख्तर साय क्या करता है, हीरा राम को मौत के घाट उतार देता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हीरा राम मरने वाला भी इंपोर्टेंट, मारने वाला भी इंपोर्टेंट, मारने वाला बख्तर साई, ठीक है। अब क्या करता है, रामगढ़, अभी जो छोटा नागपुर एरिया का जो पूरा एरिया रामगढ़ से संचालित होता है, ये ना कि आप रांची से सोचिएगा, अभी रामगढ़ से संचालित होता है,
तो रामगढ़ के मजिस्ट्रेट हजारीबाग के सेना को बोलता है, हजारीबाग में जो सेना सेना है उसको बोलता है कि जाओ अटैक करो बख्तर साहिब पे, ठीक है, बख्तर साहिब पे अटैक करो। कब? 1812, दिन तो याद नहीं है, 1812, ये जितनी भी घटनाएं सब 1812 की है, ठीक है। जब वासुदेव कोना पे अटैक कर देता है वो हजारीबाग से आया हुआ सैनिक, तब पहाड़ पनरी भी पहुंच जाता है नवागढ़, ठीक है, पहाड़ पनरी भी पड़ जाता है, चला जाता है नवागढ़, और ये मुंडल सिंह को भी नवागढ़ पहुंच जाता है। वासुदेव कोना तो ऑलरेडी, सॉरी, बख्तर साहिब ऑलरेडी वहां पे है, एक ही एरिया, ज्यादा दूर नहीं है, ये आसपास ही है, पैदल जा सकते हो, आपको साइकिल पैदल से ही जा सकते हो, बाइक मोटरसाइकिल का जरूरत नहीं, ये सब नवागढ़ पहाड़ पानी वासुदेव कोना ऐसे ही है। तो ये मुंडल सिंह और वासु बख्तर साहिब की दोनों सेना ने मिल के ये जो हजारीबाग का सैनिक आया इसको भगा दिया, ठीक है, भगा दिया। तो पहली बार इसे जीत हुई, ठीक है, पहली बार जीत हुई, क्योंकि हजारीबाग से आया था सेना, ये ताकतवर उतना नहीं था। उसके बाद ई रफसेज, रफसेज का तो नाम सुने ही होंगे, बहुत खतरनाक होता था, बहुत ताकतवर सेनापति था ई रफसेज, इसका बहुत मतलब बाद में बहुत नाम आता है ई रफसेज का, बहुत सारे विद्रोह में ई रफसेज का नाम सुने होंगे आपने। ई रफसेज को कहां से भेजता है? हजारीबाग की जगह से भेजा था, रामगढ़ कैंट से भेजता है। सैनिक का सबसे बड़ा अड्डा रामगढ़ कैंट होता है, एक बड़ा सैनिक लेके आता है और नवागढ़ पे फिर अटैक करता है और दोनों को, मुंडल सिंह और बख्तर साहिब दोनों को हिरासत में ले लेता है, हरा देता है और इसको कोलकाता जेल भेज देता है, ठीक है, कोलकाता जेल, जहां इसकी मौत, फांसी दे दिया जाता है इसे 4 अप्रैल 1812 को कहां पे फांसी दिया जाता है इसे? कोलकाता में। ये चीज याद रखिएगा, डेट 4 अप्रैल 1812, सारी घटनाएं इसकी 1812 में ही होती है। अब देखिए इसके बारे में और थोड़ा सा, राउतिया विद्रोह इतना ही, और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है, देखिए मुंडल सिंह और बख्तर साहिब का स्मृति कहाँ मिलता है? ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल में, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल क्या है? कर्जन के समय बना था ये मेमोरियल, बस इसमें मेमोरी रखने की वजह से ये मेमोरियल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बख्तर साहिब और मुंडल सिंह की बहुत सारी मेमोरियां, स्मृति मिल जाएंगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखिएगा, बख्तर साहिब मुंडल सिंह, बख्तर साहिब मुंडल सिंह ऑडिटोरियम कहाँ है? ऑडिटोरियम कहाँ है? तो ये देखिए, ये लोग कहाँ गए? सब गुमला जिले का ही था, नवागढ़ का ही था। तो बख्तर साहिब मुंडल सिंह का ऑडिटोरियम कहाँ है? गुमला जिला में, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन लोगों ने मारा किसको था? हीरा राम को। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। विद्रोह में इतना ही, विद्रोह में ई रफसेज, विद्रोह को कुचलने वाला ई रफसेज, विद्रोह हुआ कहाँ? नवागढ़। किसने किया? मुंडल सिंह और बख्तर साहिब ने। कहाँ कहाँ का उन लोग परगनित था? एक था पानर पानेरी का, एक था वासुदेव पुना का। कब हुआ? 1812 में हुआ। इस विद्रोह को राउतिया विद्रोह, फिर यही बोलेगा राउतिया विद्रोह को लीड किसने किया? क्वेश्चन बार बार घुमा कर दे सकता है, बट इसी से सारा क्वेश्चन आपका कैच हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।